स्टूडेंट्स होते। अच्छा, कोणत्या याचं प्रॅक्टिकल चालू तर आहे? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून. सेशन शुड बी इंटरएक्टिव एंड प्लीज प्लीज थोड़ा बीच बीच में बोलिए आप, बिकॉज दिस इज पोस्ट लंच सेशन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू। आवाज व्यवस्थित येतोय का माझा? यस मॅम, येतोय। इको नाही येत आहे ना? यस मॅडम, इको झाला होता. बरोबर आहे. हा, म्हणूनच मी विचारलं मध्ये असं काही झालं तर ताबडतोब सांगा। ओके मॅम। हा ठीक आहे। तो इन दिस सेशन हम क्या करने वाले हैं, हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर रिसर्चर्स एंड रिसर्चर्स आर मोस्टली यूजिंग दिस ऑफिस फॉर देयर रिसर्च वर्क एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सॉरी, हाँ बोलिए। मैम आवाज नहीं आ रहा है. क्लियर क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं मैडम, इंटरप्ट हो रहा है. क्लियर है मैडम, क्लियर है. आई थिंक सर यू हैव टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके ओके ओके। किसी एक को ही नहीं आ रहा है कि बाकी सब लोगों को नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? मुझे इको नहीं है ना? नहीं मैम, इको पर नहीं है. क्लियर मैम। हाँ ठीक है। तर मोस्टली क्या होता है कि हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं दैट डेटा वी कलेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा, राइट? फॉर डेटा प्रोसेसिंग पर्पज वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज एन डॉक्यूमेंट फाइल। बट इनसाइड द डॉक्यूमेंट फाइल वी कैन क्रिएट अ टेबल to store the data which is in numbers. But most of the time when we insert the data in table, we have to apply different analytical tools. We have to apply different formulas on this particular data to analyze that data, to find out the result from that data, to extract some particular information from that existing data, okay, to design graph on the basis of that data. And all these things are not possible in Microsoft Word, and that's why we have to use Microsoft Excel for this purpose. Which purpose? To analyze the data, to arrange the data, to find out some results from the data, to extract data from the existing data, and lastly to apply different applications on that data to find out the or to design the graphs on the existing data. Okay, so in Word it is possible to store it, but in Word it is not possible to apply all these applications in this on this data, and that's why we use this Microsoft Excel. Microsoft Word is a document file, but Microsoft Excel is an electronic worksheet. We call this sheet as an electronic worksheet because it is an table. जो Microsoft Word की फाइल होती है वो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होती है. डॉक्यूमेंट फाइल प्लेन डॉक्यूमेंट पेपर होता है, पेज बाय पेज डेटा हमको डिस्प्ले होता है. लेकिन जब हम Microsoft Excel यूज करते हैं तब हमको जो डिस्प्ले होता है फोर स्क्रीन, दैट इज इन ए टेबल फॉर्मेट. रोज एंड कॉलम्स आर देयर एंड वी कॉल दिस एज ए टेबल. इट इज एन टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, राइट? एंड वी कॉल दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. वी कॉल दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बिकॉज इट कंटेन्स प्लेन पेपर, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर inside this single sheet, and that's why we call this as a electronic worksheet. Now this electronic worksheet has a columns and rows. The intersection of these columns and rows is called as a cell. Okay, this cell is a rectangular
सिंपल छोटा सा रेक्टेंगल जो रहता है वैसे होता है ये सेल. वी कॉल दिस एज अ सेल. दिस सेल हैज एन यूनिक एड्रेस. राइट, देखिए जब हम कोई भी पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है, एक पैकेज है. ये पैकेज जब हम खोलते हैं, जब इसको स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमको ये शीट दिखती है स्क्रीन पे, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. कुछ कुछ चीजें मैं बार बार दोहरा रही हूँ, दैट मीन्स वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. प्लीज नोट डाउन. ठीक है, जिनको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन करते रहेंगे. इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, टू डायमेंशनल टेबल, सिंपल टेबल, वी कॉल दिस एज अ डेटा बेस, बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट सम डिफरेंट डेटा फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग शीट. ओके, दिस जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होते हैं, सारे मेनूज आपको दिखते हैं. दीज आर द मेनूज, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू. ऑल दीज आर द मेनूज. ओके, एंड इमीजिएटली व्हेन वी क्लिक ऑन द मेनू, उसी के नीचे आपको क्या होते हैं, सब मेनूज आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. देयर इज नो नीड टू लर्न ऑल दीज मेनूज. जितने जितने हमारे काम के हैं, वही हम यहाँ पे उसके रिलेटेड पढ़ते जाएंगे. ओके, और जैसे ही हम उस मेनू पे जाते हैं, वहां पे माउस पॉइंटर को रखते हैं, इमीडिएटली इट शोज यू कि इस मेनू का यूज क्या है, इस सब मेनूज का यूज क्या है. ठीक है, सो दीज आर द मेनूज एंड दीज आर द सब मेनूज. नाउ इमीडिएटली आफ्टर दैट देर इज अ स्पेस, वी कॉल दैट एज अ फॉर्मूला बार. क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला बार कहते हैं. फॉर्मूला बार इसलिए कहते हैं कि वहां पे हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं, दैट गेट डिस्प्लेड ऑन दिस फॉर्मूला बार फर्स्ट. सो व्हेन वी स्टार्ट टू एंटर एनी इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द फॉर्मूला बार, एंड व्हेन वी प्रेस एंटर की, एंटर इज ए कन्फर्मेशन ऑफ योर डेटा एंट्री. ओके, एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद दैट इंफॉर्मेशन गेट स्टोर एट सम पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दैट लोकेशन इज अ सेल. ठीक है, अब कौन से सेल पे होता है, सेल विच इज एन एक्टिव सेल. एक्टिव सेल का मतलब होता है जहां पे हमने क्लिक किया है. व्हेन वी क्लिक एट पर्टिकुलर सेल, मैंने आपको कहा था कि दिस इज एन टू डायमेंशनल मैट्रिक्स. वहां पे क्या है, रोज एंड कॉलम्स आर देयर. And intersection of rows and columns is a cell, which is a rectangle. So when we click at that particular location, वो क्या होता है? That becomes an active cell. Active cell का meaning होता है कि whenever we try to insert the information, that gets stored at that particular active cell location. So anyone may ask you कि when we start to enter the data inside the electronic worksheet, data gets stored at dash location. डैश सेल लोकेशन. कौन से सेल लोकेशन पे होता है, तो एक्टिव सेल लोकेशन पे होता है. ठीक है, एक्टिव यानी क्या, जिसको हमने क्लिक किया है, जो हमको हाइलाइटेड दिख रहा है, दैट इज योर एक्टिव सेल. डन. ओके, नाउ बिलो दैट देर इज अ, देर आर सम नंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी दिख रहे हैं आपको. ठीक है, एंड देन below that 1 2 3 4 5 6, these are the numbers. Now a b c d, these are the columns, and 1 2 3 4, these are the rows. So intersection of rows and columns becomes a cell, and this particular cell has a unique address. Each and every cell which is exist in this electronic worksheet has a unique cell address. Unique yani kya hota hai, jo duplicate nahi hai, जिसका कोई नंबर डुप्लीकेशन में इस शीट में नहीं आ रहा है, दैट इज योर यूनिक सेल. यूनिक सेल एड्रेस, हर एक को एक एड्रेस दिया जाता है. दिस एड्रेस इज अ नेम ऑफ योर कॉलम एंड नंबर ऑफ योर रोज. जिस कॉलम पे ये आ रहा है और जिस रो पे ये आ रहा है, दैट बिकम्स द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल. तो अभी हम जहां पे खड़े हैं, जहां पे हमने क्लिक किया है, जो हमारा एक्टिव सेल है, वो क्या है, H वाला कॉलम एंड सेकंड रो. सो एड्रेस ऑफ दिस सेल इज H2. इसका एड्रेस क्या होगा, दिख रहा है आपको,
माउस पॉइंटर कहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लिक कहाँ पे किया है वो दिख रहा है आपको? मैडम दिख रहा है, दिख रहा है। यस यस मैम। सेल कौन सा है अभी? A1 एक्टिव सेल। A1 इज एक्टिव सेल, वेरी गुड। अभी कौन सा है? L3 है ना, I यहाँ पे है बेटा। दिस I10 ये क्या है? M4. अब मैं आपको इसलिए दोहरा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू यूज दिस एड्रेस एवरी टाइम। इसके बाद जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस एड्रेस ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे हमारे घर के नंबर होते हैं उसी तरह से इस सेल के एक एड्रेस होते हैं जो यूनिक होते हैं। ओके, और आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये जो यूनिक एड्रेस होता है वो क्या होता है? कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। कॉलम नेम एंड रो नंबर, आपको मे भी पूछेंगे कि रो नेम एंड कॉलम नंबर, या पहले कॉलम नंबर फिर रो नेम, ऐसे आड़े तेड़े क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन हमको परफेक्ट रखना है, क्या लिखना है? कॉलम का नेम एंड रो का नंबर, दैट इज द एड्रेस ऑफ योर सेल, राइट? चलो आगे चलते हैं। सी देखिए, व्हेन वी स्टार्ट टू राइट द इंफॉर्मेशन That gets stored at the active sale location, ऐसे मैंने कह दिया था आपको, okay? और वो कब होता है? When we press enter key, enter is a confirmation of data entry, उसके बाद ही हमारा data उस sale पे store होता है, उस sale पे store होता है। हम जब document file में entry करते हैं तब क्या होता है? We go on typing, जैसे ही write margin खत्म हो जाती है, it goes to the next line. Called as a wrapping, word wrapping, और word wrapping से हम next 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 जाके पूरी information store करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? In this table format data, you have to every time shift the pointer from one cell to another cell. एक cell से दूसरे cell में हमको जाना होता है। There are number of ways to press the key to make that particular cell as an active cell. Right? अब how many ways are there? There are number of ways. First way is mouse click. Mouse click से हम क्या कर सकते हैं? उस सेल को एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा क्या है? Enter की से भी हम नीचे नीचे जा सकते हैं। Then हम tab की से भी जा सकते हैं एक दूसरे सेल में। और सबसे अच्छी चीज है कि we have a diamond keys, यानी arrow keys, जो हमको यूज में आती है upside शिफ्ट करने के लिए या डाउन साइड शिफ्ट करने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए या राइट जाने के लिए। सो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, दीज आर द एरो कीज दैट आर यूज्ड टू मेक द सेल एज एन एक्टिव सेल और मूव द सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको सेल एक्टिव करने के लिए कौन से वेज है, आपको पॉइंटर मूव करने के लिए कौन से वेज है। तो देर आर डिफरेंट वेज, या सारे वेज है आपके पास, माउस है, एरो की है, एंटर की है एंड माउस क्लिक और टैप की भी है आपके पास। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर और टू मेक द सेल एज एन एक्टिव सेल। समझ गए? चलो अब ये पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, सबसे नीचे में आइए। सी बाय डिफॉल्ट This Microsoft Excel displays us three sheets on the screen. इतने sheet दिखता है? Three sheets. Sheet number one, sheet number two and sheet number three. और उसके बाद और एक आपको icon दिख रहा है छोटा सा, वो क्या करता है? It allows you to insert the new sheet in your existing sheet. अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं करते हैं। लेकिन हमको क्या देखना है कि by default Excel displays us three sheets on the screen. ठीक है, we can rename that sheets. वो हम बाद में देखेंगे। इतना समझ गए आपको? जाऊँ मैं आगे? जी मैडम। आवाज नहीं आ रही है? खाना खाने के बाद भी आगे इतना समझ गए? थोड़े जाओ। हाँ मैडम।
चलो चलो, अब क्या होता है कि आप लोगों ने एक्सेल किया है क्या कि नहीं किया है? किया है मैम। How many of you are aware of about the Microsoft Excel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कोई लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है? ठीक है, होंगे नहीं होंगे तो मैं मेरा काम करा दूँगी। हाँ मैडम, पता है। हाँ, मैं तो बताने वाली हूँ। मैंने जस्ट पूछा है कि अगर है तो मैं कुछ पार्ट स्किप कर सकती हूँ, लेकिन नहीं है तो मुझे पढ़ाना ही है और मैं पढ़ाने वाली हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने आपको कहा कि ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, अब ये यूनिक एड्रेस पढ़ाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि वी हैव टू यूज दिस एड्रेस एवरी टाइम। एवरी टाइम यानी व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट, व्हेन वी स्टार्ट टू इंसर्ट फॉर्मूलाज इन दिस पर्टिकुलर शीट, तब हमको क्या करना है, ये एड्रेस का ही यूज करना है, ना कि वैल्यूज का यूज करना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम कि एक ये सीरियल नंबर है, मैं कहीं भी डेटा मूव कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद रेट है ना, एंड देन अमाउंट है। अब देखिए, हमारा ये प्रोडक्ट नंबर वन है, इसका प्रोडक्ट नेम है कंप्यूटर, इसकी क्वांटिटी हमने ले ली है 345, इसका रेट है 50,000। ठीक है, पर हे खूप जास्त कॅल्क्युलेशन ला त्रासदायक होईल का तुम्हाला? आपण छोटे छोटे आयटम्स घेऊया, कम्प्युटर वगैरे न घेता पेन घेऊ। पेन आपण घेतो आहे 10 आणि त्याची किंमत आहे 10। ठीक है, नंबर टू, फिर हमने लिया माउस, माउस की क्वांटिटी हमने ली 12 और उसकी कीमत है 345। देन थर्ड नंबर हमने ले लिया टेबल, उसकी क्वांटिटी हमने ली 10 और उसकी कीमत है 12,000। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमने ये दो चीजें ले ली है। ठीक है, अब इन सब लोगों की मुझे कितने क्वांटिटीज मैंने ऑर्डर किए हैं टोटल, दैट आई वांट टू फाइंड आउट। ओके, इन दैट केस इसके नीचे ही हमको क्या करना है, उसकी टोटल करवानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी टोटल 10 + 12 + 10 ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, 10 + 12 + 10 इतने प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर की है, उसकी सम हमने यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन सम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन एक्सेप्ट 3 टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकंड इज नंबर एंड थर्ड इज फॉर्मूला। ओके, व्हेन वी स्टार्ट टू एंटर द डेटा व्हिच इज अ कैरेक्टर, it identifies this is an character, because Excel is very smart, it identifies this particular data is a character type data and it set that data as a left align। ठीक है, जब हम नंबर डालना चालू करते हैं 0 से 9 में से कौन सा भी नंबर हम स्टार्ट करते हैं डालने में, तो क्या होता है, it identify and set that data as a right align। लेकिन जब हम फॉर्मूला डालना चाहते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया, 1 से चालू किया तो वो क्या हो गया, नंबर हो गया। नंबर इज ए नंबर, नंबर के अंदर में हम फॉर्मूला डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते। अगर हमको कहना है इसको कि दिस इज ए फॉर्मूला, देन वी मस्ट असाइन सम सिंबल अलोंग विद दिस डेटा एंड दैट इज इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू सिंबल टेल्स द सिस्टम दैट दिस इज एन फॉर्मूला। जैसे ही मैंने डाल दिया तो वो क्या हो गई, उसकी टोटल इमीडिएटली वहां पे आपको दिखने लग गई। दिख रही है टोटल आपको, 10 + 12 + 10, तो ये टोटल यहाँ पे हो गई बिकॉज हमने वहां पे उसको फॉर्मूला करके डाला। यहाँ पे जब हमने नेम लिखे थे पेन माउस टेबल, तो ये कैसे हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया। जब हमने 1 2 3 4 लिखे थे, 10 12 13 लिखे थे या वैल्यूज लिखे थे, तो वो क्या हो गया, नंबर्स थे, राइट अलाइन हो गए। लेकिन जब हमको फॉर्मूला डालना है, दैट टाइम वी हैव टू
right? Equal to symbol at the first cell location. और फोर्स सेल लोकेशन से ही वो क्या करता है, एक्सेल आइडेंटिफाई करता है कि वेदर दिस इज ए नंबर और कैरेक्टर और ए फॉर्मूला. ठीक है, ये पहली बात होगी. सेकंड थिंग इज दैट जब मैंने ये पर्टिकुलर क्वांटिटीज के टोटल यहाँ पे की है तो मैंने क्या किया, नंबर्स यूज किए. 10 प्लस 12 प्लस 10 ये नंबर्स यूज किए और उसके टोटल कर दिए. सपोज ये पेन के ऑर्डर 10 ना होते हुए 100 थे, मैं एडिटिंग यानी एंट्री करते समय मैंने 10 नहीं दबाया, दबाया तो नहीं दबा तो मेरा 10 हो गया था. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दिस इज एन 100, मैंने 100 कर दिया तो मेरा यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने नंबर्स यूज किए हैं. अब हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एज अ हैंडमेड कैलकुलेटेड शीट. मुझे क्या करना है, इसको कंप्यूटराइज कैलकुलेटेड शीट बनानी है. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर्स का यूज नहीं करूंगी. तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ हियर वी यूज द सेल एड्रेस. ओके, सो हाउ कैन वी इंसर्ट, इक्वल टू टेल्स द सिस्टम दिस इज एन फॉर्मूला इक्वल टू. अब इस सेल का एड्रेस क्या है, I-12 प्लस इस सेल का एड्रेस क्या है, I-13 प्लस इस सेल का एड्रेस क्या है, I-14. अब मेरी एडिशन क्या हो गई, अलग हो गई, 122 हो गई, है ना. अगर मेरी यहाँ पे 10 ही था पहले वाला एडिशन तो मेरा आंसर क्या था, 32. लेकिन मैंने यहाँ पे 100 जैसे ही किया तो क्या हो गया, 122 अपने आप आ गया. बिकॉज जब हम सेल एड्रेस लेते हैं तो वैल्यू कैसे आती है, द वैल्यू दैट इज स्टोर एट द एड्रेस लोकेशन, नॉट द वैल्यू डिरेक्टली वी आर टेकिंग द एड्रेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन. समझ में आ गया. तो इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, आगे वैल्यूज ना लेते हुए उसका एड्रेस लेने वाले. अब मुझे अमाउंट अगर निकालना है तो मैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑफकोर्स बाय यूजिंग द इक्वल टू फॉर्मूला तो मुझे वैल्यू आ गई. लेकिन अगर ये 10 है तो मेरी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी. तो मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एड्रेसेस वी आर यूजिंग हियर इक्वल टू. अब इसका एड्रेस क्या है, I-12 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब देखिए, अब ये वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, रेट चेंज हो जाता है तो मेरी वैल्यूज इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे. ठीक है, एंड वंस यू इंसर्ट द फॉर्मूला यू कैन ट्रैक दैट फॉर्मूला टिल द लास्ट लोकेशन. जहां तक के मुझे ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं वहां तक के मुझे फॉर्मूला को क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है तो मेरे वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे. ये भी वैल्यूज देखो, 4120 है, ये 12 ना होते हुए 120 हो गए तो क्या होगा, इमीडिएटली इसका आंसर अपने आप बन के आ जाएगा. समझ लगा बेटा? यस मैम. हेलो. यस मैम. यस मैम. तो अब हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वैल्यू, हाँ, तो आपण काय केलं, सेल ऍड्रेसेसचा वापर इथे केलेला आहे आणि आपण सेल ऍड्रेसेसचा वापर करून याच्या पुढे पण सगळे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. ठीक आहे, आता तुम्हाला हे माहिती झालं की शीट काय असते, एंट्री कशी करायची, सेलचा ऍड्रेस म्हणजे काय असतं, कॅल्क्युलेशन करताना सेल ऍड्रेसचा वापर कसा करायचा, इथपर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं. आता समजलं एवढं तुम्हाला? ठीक आहे, समजलं ना, पुढे जाऊ. हो मॅडम, हो. हा चला, आता मी हे डिलीट करून टाकते. आता मला सांगा, हा आता राहू देते लागेल. आता मला सांगा की आपण रिसर्च करता आहात, आपल्या सर्वांची आपको लँग्वेज कोणसी ज्यादा पसंत करोगे सुनने में, कौन से लोग, इंग्लिश मराठी हिंदी? इंग्लिश मॅडम. हिंदी प्रिफर आहे. हिंदी प्रिफर. चालू, हिंदी चालू देऊ ना. अच्छा अच्छा. तो देखिए, आप लोग क्या है, यू आर रिसर्चर्स, है ना. अब रिसर्चर्स का काम होता है रिसर्च करना. रिसर्च करते समय हम क्या करते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डेटा. पहला हमारा एम होता है
कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन है ना। तो डेटा कलेक्शन करते समय हम डिफरेंट वेज आर देयर टू कलेक्ट द डेटा, उसमें से सबसे बेस्ट वे है हमारा एक क्वेश्चनर्स का ऑप्शन। और बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कौन से हैं? अभी अभी सर ने पढ़ाया होगा ना 10 मिनट पहले, आशीष सर ने सर ले का डेटा कलेक्शन शेड्यूल इंटरव्यू क्वेश्चन मेल क्वेश्चनर सर्वे मेथड। सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? शेड्यूल क्वेश्चनर्स है ना। तो हम वही मेथड यूज करेंगे, और मेथड यूज करने के बाद वी हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इन अ टेबल, ठीक है ना। तो आपने जो क्वेश्चनर्स बनाए हैं उस क्वेश्चनर्स को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में भी हो, टू डायमेंशनल टेबल, थ्री डायमेंशनल टेबल, फोर डायमेंशनल टेबल, कैसे भी हो सकता है। To convert that data into table, you have to discuss with your guide or some experts like Ashish Linge sir, या शर्मा मैडम, या अपने प्रीति मैडम, इनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो, they are helpful, है ना। तो experts से या आपके guide से आप discuss कीजिए कि आपका जो table बनने वाला है वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक simple वाला table बताती हूँ, एक questionnaires देती हूँ, और उस क्वेश्चनर्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द टू डायमेंशनल टेबल, ठीक है। मैं आपके क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स को मैं 25 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 45 पर्संस को हमने 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस दिए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस के उनके साथ में 4 अलग अलग ऑप्शंस है, उसमें से करेक्ट आंसर उनको देना है, और उस करेक्ट आंसर की एंट्री हमको हमारे शीट में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। आपके क्वेश्चनर्स के सेट कैसे होंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज ये कौन है। इसके 4 ऑप्शन होंगे, शर्मा मैम, प्रीति मैम, उसके बाद देठे सर, या फिर मोदी जी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ये मेरा आंसर वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। ये देखो, इसको मैं बना देती हूँ, ये आंसर्स वाला कॉलम है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आशीष सर ने क्या पढ़ाया है, आशीष सर टीच यू एक्सेल, इंग्लिश या कोबोल या वर्ड, है ना। जो भी आंसर होगा आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 में से जो करेक्ट आंसर है, सपोज इसका आंसर 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, इसका आंसर 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आपको ये सारे 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस में दे रहे हैं, और उसके करेक्ट आंसर आपको वहां पे लिखते जाने हैं। देखिए, जब भी हम किसी रिसर्च वर्क करने जाते हैं तो रिसर्च वर्क करते समय, उसका एनालिसिस करते समय, उसको ट्रांसफर करते समय हमको उसकी प्रायर स्टडीज करने पड़ते हैं, है ना। हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा एंटर करके उसके ऊपर हम सारे एनालिसिस करते जाते हैं, ठीक है ना। तो
जब हम इस पर्टिकुलर डेटा का स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारी क्वेश्चन आए होंगे, ये तो मैंने जनरल आपको दे दिया इसे आपको समझने के लिए, लेकिन आपके आपके सब्जेक्ट रिलेटेड इस तरह से आपके क्वेश्चन आए होंगे, और उस क्वेश्चन आए को आपको क्या करना है, यू टू कन्वर्ट इट इन टू द टेबल। अब आप मुझे बताइए कि देखिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, और जैसे 50 क्वेश्चंस का सेट है उसमें से 5 क्वेश्चंस का सेट पे हम एनालिसिस पूरा कर लेंगे, उसके ऊपर सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जेड टेस्ट है, काय स्क्वायर टेस्ट है, जो भी आपको लगाने हैं वो लगाएंगे, और उसका रिजल्ट अगर करेक्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है, दैट मीन्स हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं दैट इज करेक्ट, और फिर हम उसके बाद हमारा पूरा जो 500 रिकॉर्ड्स का डेटा है या 5000 रिकॉर्ड्स का या 5 लाख रिकॉर्ड्स हमारे हैं वो उसको हम एंटर करेंगे, और फिर उसके ऊपर सारा हमारा फॉर्मुलेशंस अप्लाई करेंगे, ना कि हम पूरे 5000 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर देंगे उस बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो कॉलम में चाहिए था, ये तो रो में चाहिए था, है ना, ये तो चाहिए ही नहीं था। अब चाहिए नहीं था तो आपने एंट्री क्यों की, अननेसेसरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसीलिए मैंने पहले पहले लैंग्वेज में बताया था कि आपको आपके गाइड से इस रिलेटेड डिस्कस करना है। अब गाइड से भी डिस्कस करते समय आपको क्या करना है कि व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट यू हैव टू इवेल्युएट ये आपको पता होना चाहिए, What are your expectation from this particular data? ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से मुझे निकालना क्या है, मुझे analysis क्या करना है, मुझे answer क्या expected है कि नहीं, ये मुझे अगर पता चले तो ही मैं उसको क्या कर सकती हूँ, convert कर सकती हूँ, और कैसे convert करना है ये मैं उसके related भी सोच सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा question और answer वाला सेट है, इसमें से मुझे क्या निकालना है कि कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिए थे, कितने लोगों ने गलत आंसर दिए थे, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर देते सर, इसके ऊपर से मैं पहचान सकती हूँ कि इन लोगों का नॉलेज क्या है, इन लोगों को देते सर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, इन लोगों को आशीष सर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन सेट मुझे बनाना है कि जिससे मुझे इस तरह की रिजल्ट्स और इस तरह का एनालिसिस एक्सपेक्टेड, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं रिजल्ट निकाल सकती हूँ कि इन लोगों को इतना नॉलेज है, इतने पर्संस को इतना नॉलेज है, गर्ल्स को ये नॉलेज है, बॉयज को ये नॉलेज है, गर्ल्स और कितने परसेंट में आंसर दे रहे थे, बॉयज कितने परसेंट में आंसर दे रहे थे, कौन से सिटी से कितने लोग प्रेजेंट थे, कौन से कॉलेज से कितने लोग प्रेजेंट थे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे उसमें से लेने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसी रिलेटेड डेटा की एंट्री करूंगी, राइट, समझ के। आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चनएयर्स को मैं टेबल फॉर्मेट में किस तरह से लूंगी, कॉलम में क्या होगा और रोज में क्या होगा, थोड़ा आप सोचिए और बताइए मुझे। एनीवन फ्रॉम द क्लास, आपसे मुझे एक्सपेक्टेड है आप कुछ बोलोगे, फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा क्या, फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा अगर हमने इस तरह से किया था, कैसे किस तरह से किया था, आपने बताया क्या, कुछ नहीं बताया आपने, आप थोड़ा बोलिए कि जिस तरह अभी नेम सॉरी क्वेश्चंस एंड उसके नीचे जो ऑप्शंस, इसी तरह से कॉलम और रो का जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें हमको पर्टिकुलर फॉर्मूला ऐड करना है, तो वो शायद हम यूज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे, यानी कौन से सीक्वेंस और रो के हिसाब से हमको फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नहीं अभी तो देखिए, अभी फॉर्मूला का तो हम बाद में देखेंगे, है ना, एट प्रेजेंट हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा रहे, बिकॉज वी डोंट नो,
कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी मुझे पता ही नहीं है अभी तक, और फॉर्मूला कहाँ पे है ये भी पता नहीं है मुझे। अब एट दिस मोमेंट मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को एंटर करवाना है इन टेबल फॉर्मेट, सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर्मूला, व्हाट एवर मे बी द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अभी हमने सोचा नहीं है, हमको पता भी नहीं है, वो हमारे डायरेक्टर बताएंगे, वो हमारे गाइड बताएंगे हमको। फॉर्मूला लगाना है टेबल फॉर्मेट में, डेटा को कन्वर्ट करना है, इतना ही मुझे पता। तो मैं इस डेटा को कन्वर्ट कैसे करूंगी, किस तरह से लिखूंगी? अरेंज करना पड़ेगा मैम, रोज और कॉलम्स में उसको लेबल करना पड़ेगा। वही तो बोलिए ना, कैसे करना है? जो क्वेश्चंस दिए है ना यहाँ पे, ये डायरेक्टर्स ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, यस मैम, ऐसा एक नेम का कॉलम बनेगा, उसमें नेम्स आएंगे और सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का कॉलम में रिस्पेक्टिव फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है वो आएगा, और ये स्कोर का, मैम ये स्कोर का क्या बताया थे वो मैं भूल गया, 4, 5, 3 क्या है? तो ये तो इसके आंसर है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। हाँ, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है। अच्छा, ये पहला वाला ऑप्शन, इसके आंसर सही है। अच्छा, नहीं मुझे लगा, मुझे लगा वो यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन, मुझे लगा मैम वो डेटा है फैकल्टी और सब्जेक्ट, और ये चौथा वाला है यानी चौथा। हां देखो, ये चौथा वाला ऑप्शन है, है ना? देखो एकेडमिक स्टेम कॉलेज के डायरेक्टर कौन है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर है क्या? मुझे लगा मैम, अच्छा मुझे लगा मैम वो डेटा है, जब से मैं तुमसे बोल रही हूं क्वेश्चन आंसर से करके। हां ठीक, ठीक है ना, तो इसमें फोर्थ आंसर है। हां, फोर लिख लिया उसने, उसको लगा कि मोदी जी ही है तो उसने फोर लिख दिया। किसी और को लगेगा प्रीति मैडम है तो वो 2 लिख देंगे, किसी को लगेगा शर्मा मैडम है तो वो 1 लिख देंगे। हाँ मैम, इसमें फिर मैम मैं क्योंकि एक्सेल जानता हूँ तो इसमें फिर आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। अरे बाबा, पहले मुझे ये बताओ कि इसको एंट्री कैसे करनी है, इसके पहले सबसे पहले मैडम इसको कॉलम में क्या आएगा, रो में क्या आएगा, उसके बाद ही इफ कंडीशन लगाएंगे ना अपन। हाँ, नंबर डालेंगे उसके बाद में करेक्ट आंसर का एक कॉलम बना देंगे मैडम, सब्जेक्ट एंड उसके बाद में रिजल्ट, मैंने रिजल्ट जो भी रहेगा फिर उसके बाद में वो रिजल्ट आएगा, यानी सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ठीक है, मैं देखने तो दोस्तों नेम आएगा करेक्ट। हां फिर उसके बाद में, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो आएगा। हां क्वेश्चन के बाद में रिजल्ट, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस, ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस, ऑप्शंस। हां ठीक, उसके बाद में लास्ट में आएगा रिजल्ट। हां सॉरी, ऑप्शंस के बाद में आंसर देन रिजल्ट, ऑप्शंस के बाद में आंसर और उसके बाद रिजल्ट जी, ठीक है ना? अच्छी बात है, गुड। और कोई देखो ना, कुछ तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या लिखना है, कुछ तो समझ में आ गया। देखो गलतियां तो होनी वाली है ना, हम बाद में उसको सुधारेंगे ना, लेकिन हमको कुछ तो समझना चाहिए। हाँ बोलिए। फर्स्ट कॉलम में आपने सीरियल नंबर दिया, ओके, सेकंड में मैं क्वेश्चन नंबर डाल सकता हूं, सॉरी मैम जो सीरियल नंबर है इनके हिसाब से। हां बोलिए। मैम सीरियल नंबर पहले क्वेश्चन नंबर, ओके, देन क्वेश्चन जो भी है हमको टाइप करेंगे, आफ्टर देन ऑप्शन, ऑप्शन में ऑप्शन 1, 2, 3, 4 मतलब कॉलम नंबर आपका जो सी है, ऑप्शन 1, ऑप्शन डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज वो क्वेश्चन रहेगा। आफ्टर देन नेक्स्ट ऑप्शन 1 आपने जैसे डाला वहाँ पे शर्मा मैम, प्रीति मैम, इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। अच्छा ठीक है मैम। हाँ और आंसर देख, आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं मैम। ठीक है ना, बराबर। एक और है कि जैसे ऑप्शंस का, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से ना लिखते हुए, जैसे 1, 2, 3 नीचे सीरियल नंबर जिस तरह से अपन लिखते हैं तो उसी तरह से सीरियल नंबर इस तरह से देंगे ताकि अपन आंसर जो है वो
बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा राइट है। हाँ ठीक है बराबर है। और क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं मैडम। I think that the question should come in the row and the option should come in the column. Question should come in the row. Choose the correct option, then question, and then options जो है वो columns में आना चाहिए, so that it will be easy. ये options होगा, okay? So this question number one का option answer यहाँ पे आएगा, जैसे किसी ने कहा two. फिर क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर वन है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन का आंसर ये है, फिर क्वेश्चन टू का आंसर वन है, फिर क्वेश्चन थ्री का आंसर जो थ्री होगा सपोज या फोर होगा व्हाटएवर। ओके 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 ठीक हाँ देन और ऐसे ही लिख सकते हैं वैसे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर उसके नीचे चारों ऑप्शन होते हैं। हाँ सुरुवातीला वन क्वेश्चन असेल तर त्याच्या बाजूला तो जो क्वेश्चन आहे तो लिहायचा, क्वेश्चनच्या खाली चार ऑप्शन ए बी सी डी असेल ते आणि त्याच्या त्याच्याच बाजूला जे ऑप्शनच्या समोर एक्सप्रेस आन्सर लिहिते। ठीक आहे ठीक आहे। आणखीन आणखीन एखाद जण सांगा, आता खूप झाले ऑप्शन्स, और एखाद एनीवन फ्रॉम द क्लास, सीरियल नंबर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम नेम, नंतर तीसरा कॉलम पासून क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू आणि क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन जेवढे काही क्वेश्चन्स असतील मग असं येईल नेम सीरियल नंबर वन नेम एक्स वाय झेड आणि मग कोणत्या क्वेश्चनला काय रिस्पॉन्स दिला म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि तिकडे मग शेवटी रिझल्ट पास की फेल। अच्छा आपण कोण बोलताय? योगेश निमगडे। योगेश निमगडे बरोबर सांगितलं, योगेश निमगडेंनी बरोबर सांगितलं की आपण काय करणार आहोत सिरियल नंबर नेम आणि त्यांनी काय दिलेले क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आहेत ते आपण स्टोर करणार आहे की नाही। तर बाकीच्या लोकांनी जे सांगितलं ते चांगलं सांगितलं, काही प्रॉब्लेम नाही, बट उसमें क्या हो रहा है ये देखो, ये जो सर ने कहा कि क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और उनके आंसर्स यहाँ पे होंगे, तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, फिर दूसरे पर्सन के हम कहाँ पे लिखेंगे, फिर तीसरे के कहाँ पे लिखेंगे, चौथे के कहाँ पे लिखेंगे, एंड हाउ कैन वो आइडेंटिफाई कि ये आंसर्स फर्स्ट वाले के है, ये सेकंड वाले के है, ये थर्ड वाले के है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा आ सकता है, आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर्टिकुलर डेटा को क्लब करके उसको मर्ज करके उसको नंबर वन देके उसके आंसर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं इस आइडिया को। इनका भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है, ये जो है ये थोड़ा बहुत ठीक है पहले वाला जो दिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शंस एंड आंसर कहा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम देखें सीरियल नंबर की जगह हम ले रहे हैं रोल नंबर, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपके रोल नंबर्स आपको दिए जाते हैं टू आइडेंटिफाई इच एंड एवरी स्टूडेंट यूजिंग एन यूनिक रोल नंबर, है ना। एक नंबर, एक रोल नंबर दो लोगों को होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए यूनिक रोल नंबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या दिया है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, आंसर नंबर वन दे रही हूँ, ना कि मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चंस आर कॉमन फॉर ऑल द 500 स्टूडेंट्स, ऑल द 5 लाख स्टूडेंट्स, जितने भी लोगों से हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस ये कॉमन है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं।
चेंज कौन हो रहा है, तो स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और उन्होंने दिए गए आंसर। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या दिया है, दैट इज वो आंसर नंबर वन। फिर दूसरे इसमें आंसर नंबर टू, देन आंसर नंबर थ्री, देन आंसर नंबर फोर एंड आंसर नंबर फाइव। मैं भी पांच ही क्वेश्चंस के आंसर ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 50 और 5 करूंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी और टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पांच लोगों के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, इसको मैं हटा देती हूँ अभी। ये पांच आंसर्स हमारे पास है, ठीक है। अब क्या होगा, रोल नंबर वन, आपका नाम बताइए, अभी लास्ट ने जिस जिन्होंने आंसर दिया था, निमगड़े, निमगड़े तुमसे नाम क्या है प्लीज, फर्स्ट नेम योगेश, योगेश। हाँ, आम्ही तुम्हाला योगेश म्हणत तर चालेल का? हाँ योगेश चालेल मॅडम, योगेश चालेल ना, हा चला। आता हे योगेश ने काय केलं की पहिला, हाँ पहिल्या क्वेश्चनचा आंसर दिलं तीन, जे करेक्ट आहे, ठीक आहे। दुसऱ्या क्वेश्चनचा आंसर दिलं, समजा आशिष सरांनी तुम्हाला इंग्लिश शिकवलेला आहे तर दोन, ठीक आहे। मग तिसरा जो क्वेश्चन होता त्याचं होतं वन, मग टू होतं आणि मग थ्री होतं। आता आपण जस्ट इमॅजिन की आपण काही काही प्रश्न विचार, ठीक है। मग दूसरा जो स्टूडेंट आला, आपका नाम बताइए किसी और का, एक 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 नाम बताइए आप, एक पांच छह लोगों के नाम चाहिए मुझे। सेकंड नेम कृष्णप्रिया, कृष्णप्रिया, सुप्रिया, कृष्णप्रिया, के आर आई एस एच एन ए, या कृष्णप्रिया, के आर आई एस एच एन ए, पी आर आई वाई ए, वाई ए, प्रिया, कृष्णप्रिया। कृष्णप्रिया ने आंसर दिए इन सारे क्वेश्चंस के, उसने कहा वन टू थ्री फोर वन। अब बुरा नहीं मानना, मैं कुछ भी आंसर लिख लूंगी क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं है। तीसरा नंबर और कोई, मैडम गोविंद, गोविंद, ओके। गोविंद को मैंने पूछा आंसर, उन्होंने कहा टू वन थ्री फोर वन, ठीक है। और एक मुझे पांच तो चाहिए, हाँ यशपाल, अभिलाष, अभिलाष, ठीक है। अभिलाष ने आंसर दिए टू 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 टू, बस, ठीक है। और पांचवे, हाँ बोलो, यशपाल, यशपाल, यशपाल जी को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वन टू थ्री फोर वन, ठीक है। ऐसे मैंने 50 स्टूडेंट्स के आंसर्स लिए, 50 क्वेश्चंस के लिए, यू कैन इमेजिन द डेटा, राइट। अब ये होने के बाद में अब मेरा काम क्या है, नाउ आई हैव टू एनालाइज द डेटा। अब एनालिसिस यानी क्या होगा कि इन्होंने, योगेश ने जो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, वी मस्ट हैव अ आंसर की विद अस, है कि नहीं। जो भी हमने 50 क्वेश्चंस लिए थे उस 50 क्वेश्चंस के आंसर की हमारे पास होगी, होगी कि नहीं, कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है, टू है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है, थ्री है। ऐसे जो भी आंसर की होगी उस आंसर की से हमको ये चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है, आंसर की में थ्री लिखा है, यहाँ पे भी थ्री लिखा है, यानी इनका आंसर क्या है, करेक्ट है। करेक्ट है तो इनको क्या मिलना चाहिए, वन मार्क मिलना चाहिए। ईच क्वेश्चन हैज अ वन मार्क, है ना, तो एक मार्क इनको मिलना चाहिए। तो एक मार्क अगर इनको मिलना चाहिए, एक मार्क है, दो मार्क है, जैसे भी आपको समझ सकते हैं आप वो ले लो, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिसाब से है। तो अगर इनका आंसर करेक्ट है तो इनको एक मार्क मिलना चाहिए, तो वो भी हमको कहीं तो भी स्टोर करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे पांच क्वेश्चन है। अगर हम बढ़ाएंगे इसको तो हमारे कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 500 लोग होंगे, तो उनको हर एक को हमको चेक करना है। तो एवरी टाइम इतने लोगों को चेक करना मैन्युअली इज अ डिफिकल्ट टास्क, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। और अगर हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव दैट आंसर की समवेयर इनसाइड द टेबल। इसी शीट में मैं क्या करूंगी, उस आंसर की को भी रख लूंगी, ठीक है। तो मैं आंसर की को क्या कर रही हूँ, देखिए आप ये आंसर की इस शीट में या किसी और शीट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। वंस यू नो द कंसेप्ट ऑफ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी सेल, आप कहीं भी रख सकते हैं उसको, कहीं से भी उसको ले सकते हैं।
ठीक है. अब ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये आंसर की को यहीं पे रख रही हूँ हमारे शीट में यहाँ इसके ऊपर में. ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन सेट का आंसर है 3, 2, 1, 2 and 3. ये हमारी आंसर की. ठीक है, अब ये आंसर की और ये दिए हुए उनके आंसर्स लिए मुझे चेक करने हैं, इफ दीज टू वैल्यूज आर इक्वल देन द मार्क्स आर सिंगल मार्क, अदरवाइज जीरो मार्क्स. अब इसकी भी एंट्री मुझे क्या करनी है, इसी शीट में इसी लोगों के करस्पॉन्डिंगली रखते जानी है. तो मैं क्या करूंगी, ये आंसर मिलने के बाद इनके जो मार्क्स है, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं और 5 क्वेश्चंस के मार्क्स इनको यहीं पे मिलने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था कि व्हेन वी स्टार्ट टू इंसर्ट द डेटा, डेटा और 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एक्सेप्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक शीट. इट कैन एक्सेप्ट कैरेक्टर, नंबर्स एंड फॉर्मूला. कैरेक्टर्स आर ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, लिखते जाओ पूछ सकते हैं. नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन एंड फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला शुड स्टार्ट विथ इक्वल टू सिंबॉल. ठीक है, देन मैंने कहा था कि व्हेन वी स्टार्ट टू इंसर्ट द डेटा, दे एंटर इज अ कंफर्मेशन ऑफ योर डेटा एंट्री एंड वी व्हेन वी प्रेस एंटर की, डेटा गेट स्टोर एट द एक्टिव सेल लोकेशन. ओके, सो यू मस्ट मेक दैट पर्टिकुलर सेल एज अ एक्टिव सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ और अ रिजल्ट ऑफ योर डेटा. राइट, सो मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए, दैट सेल आई मस्ट मेक एज अ एक्टिव सेल. ओके, तो मुझे आंसर इसी के नीचे चाहिए. देखो ये योगेश जी के जो मार्क्स है वो यहाँ पे आने वाले हैं, इनकी ये लाइन जो है योगेश के लिए बनी हुई है, ये लाइन कृष्णा के लिए है, ये लाइन गोविंद के लिए, ये अभिषेक की है, ये यशपाल जी. ठीक है, तो इनके आंसर्स इसी में दिए हुए हैं और इनके मार्क्स भी इनके इसी लाइन में आने वाले. ठीक है, तो मुझे अगर इनके मार्क्स यहाँ पे चाहिए तो मैं उस सेल को क्या करूंगी, एक्टिव करूंगी. पहले यहाँ पे वहां जाके क्या करूंगी, क्लिक कर दूंगी या माउस से जाऊंगी या एरो की से जाऊंगी या एंटर की से जाऊंगी या टैब की से जाऊंगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे की को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे की को वहां पे इस पर्टिकुलर सेल को एक्टिव कर दिया. समझ गए, अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू कंपेयर द टू वैल्यूज. व्हिच टू वैल्यूज, दीज टू वैल्यूज व्हिच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ये दिया गया आंसर और ये करेक्ट आंसर, इसका सेल एड्रेस है C1, इसका सेल एड्रेस है C3. C3 और C1 अगर एक जैसे है, दोनों की वैल्यू अगर एक जैसी है तो एक मार्क मिलेगा, नहीं है तो जीरो मार्क्स मिलेगा. ओके, एंड फॉर दैट वी हैव टू इंसर्ट द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला स्टार्ट्स विद सिंबल इक्वल टू इफ. अब मैं डालूंगी इक्वल टू इफ, अगर है तो क्या सही, क्या कंडीशन है, the logical test condition is C1 है ना हमारा address, C1 is equal to C3. हाँ, देखो दोनों मार्क हो गए, क्या दिख रहे हैं आपको, देखते जाना एक बार, देख लेना, कंफर्म कर लेना हमने जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस सही है कि नहीं, वो आपको एक कलर में दिखाएगा, ब्लू कलर एक रेड कलर है. ठीक है ना, तो दोनों हमारे हमारे से सिलेक्ट हो गए है. इफ C1 is equals to C3, कॉमा एक मार्क दे दो, कॉमा जीरो मार्क्स दे दो, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर. एंटर इज अ कंफर्मेशन ऑफ योर डेटा एंट्री. मेरा फॉर्मूला लिख के खत्म हो गया है, जब तक कि मैं फॉर्मूला को एंटर नहीं करूंगी तब तक वो नहीं आएगा. आ गया,
एंटर करने के बाद आंसर मिल गया, क्या मिल गया आंसर, एक मार्क मिल गया। अगर अगर योगेश ने ये थ्री ना लिखते हुए यहाँ पे वन लिखा था तो मार्क्स क्या मिलने चाहिए, जीरो। जीरो आगे क्या, जीरो आगे, लेकिन इन्होंने थ्री ही लिखा था तो इनको एक मार्क मिल गया। ठीक है, अब इन अब मैंने क्या कहा था कि वंस यू इंसर्ट द फॉर्मूला यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला टिल द रिक्वायर्ड लोकेशन। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स है उस सारे रिकॉर्ड्स के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर डेटा व्हाट एवर इज रिटर्न बिलो दिस पर्टिकुलर रेंज, है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा ड्रैग कर दिया। इसके पहले के एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमने उसको ड्रैग किए, साथ ही हमको क्या हो गया था, सारे आंसर्स मिल गए थे, देखा था ना हमने एग्जाम्पल में। अभी भी हमने क्या किया है, जस्ट वी ड्रैग द फॉर्मूला। और एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। एक्सेल क्या करता है, जैसे ही हम किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं इट इमीडिएटली इंक्रीमेंट द सेल एड्रेसेस और तुमको तुम्हारे लिए वो कैलकुलेशंस करके आपको आंसर दे देता है। अब मुझे बताइए इस पर्टिकुलर सेल में आंसर सबको सही सही आंसर सही मार्क्स मिले हैं क्या? यस मैम। कृष्णा, गोविंद, अभिषेक, अभिलाष, यशपाल, सबको सबको करेक्ट आंसर मिले हैं? यस मैम, मिले हैं। अगर ये यशपाल जी ने यहाँ पे थ्री लिखा होता तो भी क्या हो रहा है, जीरो जीरो मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। क्यों, इन्होंने भी थ्री कहा था। हाँ, क्योंकि सेल वहां पे नहीं रखा अभी, इसके कारण नहीं रे बेटा, इन्होंने भी थ्री आंसर दिया था, इनको तो वन मिल गए, अभिलाष को वन मिल गए, गोविंद जी को वन मिल गए, योगेश जी को वन मिल गए, लेकिन कृष्णा ने भी अगर थ्री आंसर दिया रहता तो क्या मिलते देखो तो, नहीं। अरे हर एक जन अपने अपने आंसर देख लो, हर एक जन अपने अपने मार्क्स देख लो, इन लोगों को मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही चेंज कर दिया मिल गया, ठीक है ना। इनको क्यों मिला, हाँ बोलिए बोलिए क्या हो गया। देखिए जब हम कंप्यूटर में सिस्टम करते हैं, हाँ कृष्णा का आंसर, हाँ कृष्णा को दुख हो रहा है, देखो वो फटाक से बोलने लग गई, तीन आंसर करेक्ट है उसको जीरो मार्क्स मिले, मिले है ना। यस मैम। कृष्ण प्रिया आपके मार्क्स कट गए हैं, क्यों कट गए हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ योर फॉर्मूला, देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर फॉर्मूला। लेकिन अगर इन्हीं अकेले का फॉर्मूला में प्रॉब्लम रहता तो बाकी लोगों को भी जीरो जीरो मिल गए। अब देखो इन्होंने अगर थ्री थ्री कहा था तो इनको तो मिल रहे हैं। इमीडिएटली मिल रहे हैं, और इसको क्यों नहीं मिल रहे। देखो जब हम कंप्यूटराइज फॉर्मूला करते हैं और ड्रैग करते हैं तो हर बार कंप्यूटर गलत नहीं होता है, कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं। हमने तो फॉर्मूला करेक्ट लिखा था लेकिन, है ना, फिर भी हम गलत हुए। गलत इसलिए हुए क्योंकि हमने जो एड्रेस दिए है वो गलत हो रहे हैं, है ना। हमने जो एड्रेस दिए है वो गलत हो रहे हैं, गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक्सेल क्या कर रहा है, उनको इमीडिएटली इंक्रीमेंट कर रहा। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि जब हम फॉर्मूला डालते हैं उसके बाद जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं दैट टाइम हमारे आंसर्स करेक्ट है कि नहीं। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के नाम लिख देती हूँ, जैसे ही आपके नाम आ गए तो आप अलर्ट हो जाते हो, अरे मेरा तो आंसर सही था, मार्क्स नहीं मिल रहे, है ना। दूसरों के अगर लिख दिए जाए, इन पांच लोगों के अलावा बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उनको लगता है जाने दो ना,
पास हुए तो हुए नहीं हुए तो वो उनका देखते बैठेंगे, हमारा थोड़ी नाम है। लेकिन अगर आपका नाम यहाँ पे है और आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कृष्ण प्रिया, तो आप टेंशन में आ जाते हो, अरे मेरा तो आंसर सही है फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, तो आप देखने लगते हो फॉर्मूला की तरफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ना आपकी गलती है, ना फॉर्मूला की गलती है, ना आपके सिस्टम की गलती है। गलती यहाँ पे ये है कि जब हम किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो उसका सेल एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या था, C1 और C3 था, नीचे आने के बाद क्या हो गया, C2 और C4 हो गया, है ना। C2 का क्या क्या है, C2 की वैल्यू बताइए मुझे, दिस इज C2, C2 पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स 1, नहीं लिखा है, आंसर 1 लिखा है, विच इज अ कैरेक्टर टाइप डेटा। और हम क्या चाहते हैं, ये 3 के साथ उसका कंपैरिजन हो, ना कि इस ANS1 के साथ उसका कंपैरिजन हो। अभी क्या हो रहा है, इस कृष्णप्रिया का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ये C2 के साथ हो रहा है, समझ रहे हैं आप, C2 और C4 का कंपैरिजन हो रहा है। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, बट व्हेन वी आर ड्रैगिंग दिस शुड नॉट हैपन ना एक्चुअली। नहीं तो बताएंगे ना, तो ऐसा होता नहीं है ना। हाँ होता है ना, ऐसे ही होता है ना, कहीं पे भी आप ड्रैग करो, राइट साइड में ड्रैग करो या ड्रैग करते हैं। हाँ मैम, व्हेन वी आर ड्रैगिंग द फार्मूला दैट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड ना, दैट इज द सेल एड्रेस इज चेंजिंग, सो हाउ कम दिस इज हैपनिंग। तो वो सेल एड्रेस तो चेंज कर रहा है ना, हमने सी पे कहा था तो उसी। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है कि हाँ, कि अगर जैसे कि C1 और C2 ऐसे आप बता रहे कि फॉर्मूला चेंज नहीं किया हमने, फिर उसके नीचे जो गोविंद है, अभिलाष है या यशपाल जी, तो इस केस में कैसे चेंजेस आए, फिर वो भी तो हमने चेंज नहीं किया था। नहीं ना, वो भी देखिए ना, वही तो मैं बता रही हूँ आपको, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हेन वी ड्रैग द फॉर्मूला द एड्रेसेस ऑफ सेल गेट इंक्रीमेंटेड, C1 का C2 हो गया, फिर C3 हो गया, फिर C4 हो गया, तो कंपैरिजन किन लोगों के साथ हो रहा है, देखिए ना आप, देखो ये आपकी C2, ये C3 है, ये C4 है, C5। मैडम आप हाँ। तो, वहां पे फॉर्मूला दिखाइए ना मैम, तभी समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि हाँ, देखो ये फॉर्मूला है, हाँ देखो ये फॉर्मूला है, हम क्या कंपेयर कर फॉर्मूला दिखाइए, C1 और C3 इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर्मूला कैन विजिबल मैडम, प्लीज शो दैट फॉर्मूला, फॉर्मूला विजिबल के लिए जस्ट, हाँ आप वहाँ पे उसको, हाँ वो ऊपर दिख रहा है ना, हाँ राइट दिख रहा है ना, हाँ नहीं तो ये सेल में जहाँ पे वादा है ना मैम वहाँ पे, हाँ हाँ देखिए अभी दिख रहा है कि आपको फॉर्मूला में, इसका फॉन्ट बढ़ा देती हूँ, हाँ दिख रहा है मैम, दिख रहा है, अब इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे करके, दिस लगा, सॉरी यस यस, ये एक ही फॉर्मूला हो गया, इसको हमको इंक्रीमेंटेड चाहिए ना, ड्रैग नहीं हो रहा मैडम, नहीं ड्रैग नहीं हो रहा, हां नहीं वो ड्रैग नहीं होगा ना, उसको मैंने कैरेक्टर बनाया है, उसको मैंने कैरेक्टर बनाया है इसलिए वो ही कॉमन ड्रैग होगा, एक मिनट अभी मैं, हेलो मैडम, हां बोलो, जस्ट अ मिनट, हां मैडम या C1 ला आपण फिक्स करू शकतो का, हो सर तेच सांगणार आहे मी तुम्हाला, दोन मिनिटं थांबा फक्त, ज्यांना नाही येत ना त्यांच्यासाठी थोडस त्यांना आपल्याला शिकवावं लागतं की हे कसं होतं, कारण की त्यांना हे कन्सेप्ट नाही आहे ना अजून, त्यांच्यासाठी हे सांगणं चालू आहे, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला आयडिया आहे त्या गोष्टीची, तेच करणार आहे आपण पुढे, फक्त आता ह्या लोकांना हा फॉर्म्युला एकदा दाखवून देतो, हे बघा हा फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला काय आहे, हियर वी आर कंपेरिंग C1 विथ C3, C1 क्या है ये, C3 क्या है ये, योगेश के मार्क्स और आंसर की ये हमने कंपेयर की, अब यहाँ पे क्या फॉर्म्युला होगा, C2 कौन है, C2 is character type data, ANS1,
हाँ, और सी फोर कौन है, कृष्ण प्रिया के मार्क्स है, तो ये कृष्ण प्रिया के 3 मार्क्स ये ANS 1 के साथ में कंपेयर हो रहे हैं, जो हमको नहीं चाहिए, जो हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको मार्क्स क्यों मिल गए मतलब है, देखो इनका फॉर्मूला क्या हो रहा है, ये लकी है इसलिए इनको मार्क्स मिल रहे हैं। ये C3 और C5 का कंपैरिजन है, ये से C3 और ये C5, गोविंद को क्यों मार्क्स मिल गए हैं, क्योंकि उनका कंपैरिजन ये C3 के साथ हो रहा है। तो C3 में लकीली लुक एट द वैल्यू, जस्ट लुक एट द वैल्यू, C3 में क्या है, 3 लिखा हुआ है और इन्होंने भी 3 लिखा हुआ, इनको इसलिए इनको एक मार्क मिला। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता ना तो इनको मार्क्स नहीं मिलते, इनको 0 मार्क्स मिल जाते। जी मैडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला देन? हाँ मैम, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग फार्मूला देन इफ वी आर यूजिंग दिस टेक्निक? देन दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी दैट यू मस्ट नो, यू शुड नो कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट अ फॉर्मूला एंड व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला, एंड दैट टाइम यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक एंड व्हाट चेंजेस यू हैव टू मेक दैट आई विल टेल यू, ओके, बट यू मस्ट नो व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला व्हाट हैपेंस। समझ गए आपको कि जब हमने एक जगह पे फॉर्मूला लिखा, उसको ड्रैग किया, उसने सेल एड्रेसेस चेंज कर दिए जो हमको नहीं चाहिए थे। देखो सिंपल डेटाबेस में जब हम डेटा एंट्री करते हैं और सिंपल स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री करते हैं, तब हमारा डेटाबेस अलग होता है, तब हमारा सिंपल डेटा होता है, बस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके हो गया। लेकिन अब हम रिसर्चर्स हैं, हम किसी और साइज से डेटा को हैंडल करने जा रहे हैं, एंड दैट टाइम यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू ड्रैग द फॉर्मूला, और वो ही मैं आपको बता रही हूँ। और इसके लिए अलग अलग वेज है, और कौन से वेज है वो देखते हैं, है ना। देखो अब हमको क्या करना है, नाउ आपको ये समझ गया कि हमको क्या करना है। मैंने ये आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। यू हैव टू डिजाइन द फॉर्मूलाज, नॉट ओनली इंसर्ट द फॉर्मूला, यू हैव टू डिजाइन योर ओन फॉर्मूलाज, एंड व्हाइल डिजाइनिंग योर ओन फॉर्मूलाज यू मस्ट नो द सेल एड्रेस ऑफ दैट फॉर्मूला, यू मस्ट नो विच वैल्यू यू हैव टू टेक इन दिस फॉर्मूला, फ्रॉम विच लोकेशन यू हैव टू टेक इट फर्स्ट एंड देन द सेकंड वैल्यू। ये सारे कंसेप्ट आपको समझने चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बताया है। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, वी हैव टू कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज विथ अ सिंगल वैल्यू विच इज ए आंसर की वैल्यू। समझ रहे हैं, है ना। मुझे ये सारे वैल्यूज का कंपैरिजन इस एक ही वैल्यू से करवाना है, राइट? एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंड? मुझे इसी एक वैल्यू से करना है विच इज 2, इस 5 के आंसर्स मुझे एक ही वैल्यू से चेक करना है विच इज 3। दैट मीन्स एवरी टाइम मैं ये सारे वैल्यूज का कंपैरिजन एक ही वैल्यू से कर रही हूँ। द मीनिंग इज दैट दैट पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी अ फिक्स वैल्यू, शुड बी अ एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड वी कैन मेक दैट वैल्यू एज एब्सोल्यूट वैल्यू इन अवर फॉर्मूला बाय जस्ट असाइनिंग अ सिंबल विच इज अ डॉलर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, अभी इस फॉर्मूला में यहाँ पे सिंपली $C$1 ऐसे कर दूंगी। दैट मीन्स दिस C1 वैल्यू इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, और अब मैं उसको नीचे ड्रैग कर दूंगी तो क्या होगा, देखिए नाउ दिस टाइम द वैल्यूज आर फिक्स्ड एंड गेट कंपेयर विद द सिंगल सेल एड्रेस, सिंगल सेल एड्रेस वैल्यू विद द एंटायर नेक्स्ट वैल्यू। देखो दिस टाइम ये फॉर्मूला क्या है, C1 का कंपैरिजन C3 से हो रहा है। यहाँ पे देखो
C1 का कंपैरिजन C4 से हो रहा है, इसका कंपैरिजन C1 से C5 हो रहा है, C6 कंपेयर विद C1, C7 गेट कंपेयर विद C1, C1 इज फिक्स्ड एंड C2, C3, C4, C5 ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. So I can make that particular value as a absolute value so that when we copy the formula, that time the next level get changed, but fourth level is fixed. समझे क्या? Yes, ma'am. समझ गए. देखो अभी मुझे सेकंड फॉर्मूला लिखना है. अब सेकंड टाइम क्या होगा, सेल एड्रेस मेरे चेंज होते जाएंगे. ये मेरा, ये इन सब लोगों का कंपैरिजन किसके साथ करना है मुझे, ये D1 के साथ करना है. D1 गेट कंपेयर विद D3, D4, D5, D6 एंड D7 एंड आंसर शुड बी एट मार्क्स टू लोकेशन. सो मैंने वहां पे क्लिक कर दिया एंड हियर आई एम गोइंग टू टाइप द फॉर्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट D. अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं पहले से ही डालूंगी $D$2 इज इक्वल्स टू D3. अरे D1 चाहिए था, D2 नहीं चाहिए. मैम वन चाहिए, वन चाहिए. हाँ देखिए समझ गए आप, $D$1 इज इक्वल्स टू D3 $1, $0 ब्रैकेट कंप्लीट. जब तक कि मैं एंटर नहीं करूंगी, एंटर इज अ कंफर्मेशन ऑफ डेटा एंट्री. मेरी एंट्री खत्म हो गई है, मेरा फॉर्मूला लिखना खत्म हो गया है. नाउ पुट एट द एक्टिव सेल लोकेशन, यहाँ पे आ गया. अब नाउ आई गेट ड्रैग द फॉर्मूला. अब आंसर बराबर है क्या, देखो तो कृष्णा. यस मैम, यस मैम. आ गया गोविंद ने ही गलत आंसर दिया था. बाकी सब लोगों को एक एक मार है ना, ठीक है. चलो अभी तीसरा. नाउ यू पीपल टेल मी द फॉर्मूला इक्वल टू इफ, टेल मी द फॉर्मूला. ब्रैकेट ब्रैकेट $F$E$E1 $E$1 = E3 1, 0 ब्रैकेट कंप्लीट. एंटर करूं क्या? यस मैम एंटर करूं. यस मैम, यस मैम. ट्रैक करूं? हाँ कर दूं ट्रैक. हाँ मैम. अरे कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों ने गलत दिया, बहुत ही ज्यादा गलत है ना. ठीक है, बाद में देखेंगे उन लोगों को अपन. इक्वल टू अगेन इफ $1 = 3 $1, $0 ब्रैकेट कंप्लीट. एंटर बोलना पड़ता है. हाँ एंटर एंड ड्रैग हो गया. देखो जब हम ये ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं ना, तो अभी आपको 5 फॉर्मूले है तो आपने 5 फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन जब 50 रहेंगे तो बोर हो जाएंगे. तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ड्रैग कर देती हूँ. जैसे हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, उसी तरह से हम राइट साइड में भी उसको ड्रैग कर सकते हैं. लेकिन ड्रैग करते समय क्या हो गया, ये जो F था वो वैसे के वैसे रह गया, G चेंज हो गया है ना. G का कंपैरिजन F के साथ हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे उसको क्या कर देना है, G1 कर देना है. दैट्स ऑल. ठीक है, जम लगा. यस मैम जमलं. आता बघा,
खालपर्यंत ड्रॅग करून दिलं आपण आणि इकडे जर ड्रॅग केलं तर काय झालं बघा बरं. आता मी फॉर्म्युलामध्ये एक चेंज केला, थोडासा चेंज केला. दिसत का तुम्हाला फॉर्म्युला? जस्ट आपने डॉलर को उधर बीच में सेंटर में नहीं 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 ऐसे नहीं बोलना होता. जस्ट अ मिनट. हाँ मैंने क्या चेंज किया फॉर्मूला में, थोड़ा सा स्मार्टली देखो उसके तरफ. ये आधी का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन? डॉलर पहले था समझा अस्थि वैल्यू तो अपन क्या लिखा था? डॉलर एच डॉलर वन. हम कॉलम फिक्स हो गया. हाँ अभी क्या हो गया? कॉलम फिक्स हो गया. रोज कॉलम फिक्स हो गया कि रो फिक्स हो गई? इसको अगर और कॉपी करते तो क्या होता है? देखो नहीं अभी ये फॉर्मूला नहीं बनना है, इसको मैं फॉर्मूला बना लेती हूँ. बहुत ही स्मार्ट है ये, थोड़ा भी इधर उधर कर दो ना तो वो फटाफट चेंजेस कर देता है. जैसे ही इसको कॉपी करते हैं फॉर्मूला के चेंज है ना, नीचे करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? ये फिक्स यहाँ पे हो गया है, ये रो फिक्स हो गई. ये जो सेल है ना ये रो के लिए ये फिक्स हो गया है. जब हम उसको कॉलम में उसको ड्रैग करते हैं तो वो कॉलम अपने आप क्या कर देता है? चेंज कर देता है. ठीक है ना, समझ लो का? जाऊ दे जास्त नका, खूप जास्त म्हणून मी जास्त सांगत नाही. जसं सांगितलं की कन्फ्यूज होतं, लेकिन जो लोगों को आता है उनके लिए थोड़ी सी ये चीजें समझ में आ सकती है, इसलिए बता दिया था. ठीक है, डोंट वरी, यू जस्ट सी. मैडम एक प्रश्न होता. हेलो बोला. हाँ ते जे आपण इफ लिहितो ते इफ स्मॉल लेटर्स मध्ये लिहायचं असतं की कॅपिटल्स मध्ये? नाही नाही केस सेन्सिटिव्ह नाही आहे, कसंही लिहितो चालतं. कसं लिहिलं तरी चालेल ना? ओके ठीक आहे. इफ कॅपिटल मध्ये लिहा, इफ स्मॉल मध्ये लिहा, आपण स्मॉल मध्ये कॅपिटल मध्ये केलं तरी चालतं. ठीक आहे ना? ओके आता स्मॉल मध्ये आहे, त्याने आपोआप करून टाकलं त्याला, त्याला तसं काही तो केस सेन्सिटिव्ह नाही आहे. इथे म्हणजे फॉर्म्युला लिहिताना नाही आहे पण कम्पॅरिझन करताना आहे. तुम्ही कम्पॅरिझन करताय तर मग तेव्हा आहे, कारण की तेव्हा ते आस्की कोड नाही होतं, पण आता नुसतं ड्रॅग करताना नाही होत. ठीक आहे, बरं बरं. तर चलो हे समज घे आपलं अभि, हाऊ टू मेक द व्हॅल्यू एज ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू बाय युझिंग द सिम्बॉल डॉलर. कौन सा सिंबल है? डॉलर. डॉलर का फॉर्मूला लिखने के लिए कौन सा सिंबल है? डॉलर इक्वल टू है ना. जाऊ पुढे, समजले इतका? इतना समझ में आ गया क्या? यस मैम. यस मैम. चलो आगे चलते हैं. अभी अभी हमको क्या करना है नाउ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे रिजल्ट देना है हमको. नहीं टोटल बनाएंगे पहले, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं वो लिखेंगे यहाँ पे एंड देन हम रिजल्ट बनाएंगे इन लोगों का. कौन पास हुए कौन फेल हुए है कि नहीं, तो पहले हमारी टोटल आएंगी. अब टोटल के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? कौन सी टोटल होगी? ये पांच मार्क्स की टोटल होगी है ना. तो इक्वल टू कौन से सेल में वैल्यूज है ये? आई आई थ्री थ्री प्लस आई जे थ्री प्लस जे थ्री के थ्री प्लस के थ्री प्लस एम थ्री. एक छूट गया ना हमारा, K3 प्लस L3 प्लस M3. आले का पास? आले, एंटर करो. इधर ही तुमची टोटल. अब देखो हमारे पास एक दो तीन चार पांच वैल्यूज थे, इसलिए हमने क्या किया L3 M3
I3, J3 करते बैठे, लेकिन जब हमारी बहुत ज्यादा रेंज होती है डेटा की, तब हम एक 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 वैल्यूज नहीं लिखेंगे. दैट टाइम वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला. ओके, एंड इन दैट फॉर्मूला यू कैन एंटर द रेंज ऑफ द डेटा. ठीक है. और एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे मैं देती हूँ फॉर्मूला को. मैंने आपको ये फॉर्मूला इसलिए कहा क्योंकि अगर आपको अपने शीट में से किसी और लोकेशन से वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू यहाँ की चाहिए, एक वैल्यू यहाँ की चाहिए, एक वैल्यू यहाँ की चाहिए, है ना, तीन अलग अलग लोकेशन से वैल्यू चाहिए, तब हमारी रेंज नहीं आती. तब हमको क्या करना पड़ता है, इसी तरह से इक्वल टू ये D2 K3 M5, इन तीनों की टोटल करनी पड़ती है. ठीक है, तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, विच इज ए सिंपल फॉर्मूला. देन सेकंड थिंग इज वी कैन यूज अ क्विक सम. क्विक सम यानी ऑटो सम का समेशन सिंबल हम यूज कर सकते हैं. समेशन के सिंबल में क्या होता है, जो इस पर्टिकुलर डेटा की रेंज है दैट गेट सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली एंड इट एंटर द समेशन ऑफ दैट वैल्यूज, है ना. लेकिन क्या होता है, अभी हमने जो समेशन का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट किया तो तुरंत हमारी कौन सी रेंज सिलेक्ट हो गई, ये वाली रेंज हो गई जो हमारे मार्क्स. लेकिन गलती से कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ और यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेल इंसर्ट किया गया है, इसीलिए हमको ये वैल्यूज मिल गए. अभी देखो आगे, अगर यहाँ पे मैं देती हूँ तो कौन सी रेंज सिलेक्ट हो रही है, कैन यू सी द सिलेक्शन. C3 से L3 सिलेक्ट हो रहा है. हाँ, हमको आंसर्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं हमको मार्क्स चाहिए. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब हम ऑटो सम करते हैं तब आपको केयरफुली देखना है. ऑटो सम पे क्लिक कर दिया और धड़ से एंटर मार दिया तो सम तो हो जाएगी, लेकिन आउट ऑफ 5 16 मार्क्स मिल रहे हैं. यूनिवर्सिटी के तो पूरे नाम चल जाएंगे कि 5 में से 16 मार्क्स मिल रहे बच्चों को, है कि नहीं. ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हमारी रेंज क्या है. ठीक है, अब उस पर्टिकुलर रेंज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू सम एंड विद इन द ब्रैकेट वी कैन राइट द फॉर्मूला विच इज अ रेंज ऑफ द डेटा. कौन सी रेंज है हमारी, हमारे मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, H3 से आ रहे हैं. H3 to L3 बराबर है क्या, देख लेना एक बार, जो रेंज हमने डाली है वो रेंज हाईलाइटेड दिखाता है, वो आपको देख लेना है, कंफर्म इट, देन आफ्टर दैट प्रेस एंटर की. कंफर्म है, बराबर है हमारे मार्क्स के रेंज, एंटर करो. एक बार हमारा फॉर्मूला एंटर हो गया, जस्ट ड्रैग द फॉर्मूला, अब कोई दिक्कत नहीं, सारे मार्क्स आ गए. ठीक है, अब हम करेंगे रिजल्ट. रिजल्ट कैसे होगा, इक्वल टू इफ, अगर देखिए अब हम कर रहे हैं कि हमारे 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स में से 2.5 जिनको मिले हैं 50% पासिंग, वो पास है, नहीं तो वो बाकी के फेल है. अगर कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है अभी हमको, टोटल की, टोटल कहाँ पे है, टोटल M, M, M3. M3 में, इफ M3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.5 कॉमा विदिन द कोटेशन मार्क पास एंड विदिन द कोटेशन मार्क फेल, कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर. चलो योगेश जी तो पास हो गए, बाकी लोगों का रिजल्ट देखते हैं. सगे फेल है ना, बाप रे, टेंशन आ गया, कृष्णा को टेंशन आ गया. कृष्णा ने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, है ना, उसने कहा मैंने तो बराबर लिखे थे, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, हो गए पास, हो गए पास. फिर ये यशपाल गए वैल्यूएशन डालने के लिए, इन्होंने कहा नहीं मैंने तो पहला आंसर 3 लिखा था, दूसरा 2 था, तीसरा बराबर मेरे 1 था, हो गया. 2 पेपर के रिवेल्यूशन में जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री चेंज कर दी, इमीडिएटली यहाँ पे मार्क्स भी चेंज हो गए, टोटल भी चेंज हो गई और रिजल्ट भी चेंज हो गया. ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेल एड्रेसेस यूज किए, ना कि हमने सेल वैल्यूज किए, समझ गए. इसलिए हम क्या कर रहे हैं,
सेल एड्रेसेस का यूज हर जगह पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो छोटा सा था, इसके बाद में और हम फॉर्मूला चलेंगे और हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे, एवरीवेयर हम क्या करेंगे सेल एड्रेस का ही यूज करेंगे। जैसे ही सेल एड्रेसेस चेंज होते हैं, सेल की वैल्यू चेंज होती है, इमीडिएटली आपका डेटा चेंज होते जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। समझ गए? चलो इतना समझ गए क्या? इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। नो डाउट्स मैडम। मैडम ब्रेक घ्यायचा का 5 मिनिटाचा? हा म्हणजे तुम्हाला हवा असेल तर पार्टिसिपंट्सला पण विचारून घ्या। विचारून घ्या पार्टिसिपंट्सला हवा आहे का ब्रेक? ब्रेक चाहिए क्या बेटा? ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है मैडम। हो एक मिनट, हाँ एक मिनट आना तो देते ब्रेक। बिफोर गोइंग टू ब्रेक यू मस्ट सेव युअर फाइल, है कि नहीं? इतकी आपण मेहनत केलेली आहे, इन केस समजा लाइट चले गेले तर तुमचा डेटा काय होऊन जाईल? लॉस्ट होऊन जाईल, है ना? तर डेटा लॉस नाही झाला पाहिजे म्हणून काय करायचं? यू मस्ट सेव द फाइल। सेव करने के लिए कौन से वेज है? फाइल सेव, उसके बाद फाइल सेव एज, उसके बाद कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो इतने सारे वेज आपके पास है टू सेव द फाइल। मैं अभी कर रही हूँ फाइल सेव। मुझे पूछा जाएगा कि आपके फाइल का नाम क्या है, मैंने पहले ही दे रखा है प्री पीएचडी कोर्स वर्क 18 मार्च 2021। मेरा फाइल नेम वही आ गया है, लेकिन आपके पास नहीं आएगा तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, फाइल सेव एज। सेव एज जब होगा तो अगेन आपको वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका फाइल नेम क्या है। देखिए बाय डिफॉल्ट इट स्टोर्स द फाइल एट माय डॉक्यूमेंट फाइल। कहाँ पे स्टोर होती है? डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में होती है, लेकिन मुझे किसी और लोकेशन पे करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन चेंज दैट लोकेशन एंड आई कैन असाइन द नेम ऑफ दैट फाइल। कभी भी फाइल का नेम कैसे होना चाहिए? आपने उस फाइल में जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है, जिस टाइप का डेटा है, जिस ईयर का है, जिस सब्जेक्ट रिलेटेड है, वो ही नाम आपके फाइल का होना चाहिए, ना कि सोनू 1 2 3 4 5 6। फिर प्राइम नंबर का प्रोग्राम कौन से इसमें लिखा है, प्री पीएचडी का डेटा कौन से फाइल में है, पाई चार्ट कौन से फाइल में है, कुछ नहीं पता चलता, फिर ढूंढते बैठो आप सौ फाइल्स, है ना? ऐसे नहीं करना है, आपको आपकी फाइल का नाम ऐसे ही रखना है जो उसके अंदर में डेटा, जैसे मेरा अभी ये डेमो है प्री पीएचडी कोर्स वर्क और आज की डेट, तो वही नाम में इसको असाइन करूंगी और पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर फोल्डर में या पर्टिकुलर ड्राइव पे मैं उसको स्टोर कर सकती हूँ। इतने सारे ड्राइव्स मेरे पास है, सी है, डी है, जी है, एच है, या फिर पेन ड्राइव है, या सीडी ड्राइव है, कहीं पे भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर बॉक्स को क्लिक करके आपको प्रॉपर नेम असाइन करके उसको सेव करना है, ठीक है? तो इसको सेव कर देंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यस, राइट? चलो अभी आप ब्रेक ले लो 5 मिनट का, 5 मिनट बाद मिलते हैं। Thank you.